IPL 2020 के ऊपर BCCI की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया है कि BCCI IPL 2020 को जुलाई से सितंबर के बीच करवाने की प्लानिंग कर रहा है, और अब IPL 2020 का सीज़न हमको एक नए फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकता है। और आज इस वीडियो में हम आपको इसी फॉर्मेट के बारे में एकदम सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। और अगर आप भी चाहते हो कि IPL 2020 में आपकी फेवरेट टीमें जबरदस्त शुरुआत करें, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए, और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और साथ ही साथ BCCI आपस में पिछले कुछ समय से लगातार काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में हैं, जिसमें ये फैसले लिए जा रहे हैं कि एशिया कप 2020 को अगले साल पोस्टपोन कर दिया जाए और T20 वर्ल्ड कप को इस साल कैंसिल कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों, इसके ऊपर अभी तक फाइनल जो एनालाइज खबर है वो अभी तक नहीं आई है, इसके ऊपर अभी तक यही कुछ खबरें निकल कर आ रही है। परंतु अब जो खबरें निकल कर आ रही है वो कुछ इस प्रकार की निकल कर आ रही है कि BCCI अगर इस टाइम के बीच में IPL करवाता है तो वह कुछ एक नए फॉर्मेट के रूप में करवाया जाएगा। जो सबसे बड़ा फॉर्मेट निकल कर आ रहा है वो दोस्तों ग्रुपिंग सिस्टम का ही आ रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप में हमेशा 8 टीमों के दो दो ग्रुप्स बनते हैं, जिसमें चार चार टीमें होती है। दोनों टीमें अपनी अपनी जो ग्रुप वाली टीमों से लड़ती है, और जो ग्रुपों की टीम टॉप पर रहती है वही टीमें सेमीफाइनल में खेलती है। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का सिस्टम हमको शायद IPL 2020 में देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई नया ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, परंतु इस टाइम जो सबसे बड़ा ग्रुप निकल कर आ रहा है वो कुछ इसी तरह का निकल कर आ रहा है कि IPL 2020 हमको शायद ग्रुपिंग सिस्टम में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का नया फॉर्मेट हमको IPL 2020 में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, शायद कुछ परसेंट चांसेस है कि इस महीने के आसपास हमको शायद फॉरेन प्लेयर्स देखते खेलते हुए नजर नहीं आए। परंतु दोस्तों, इसके ऊपर भी कई टीमें राजी हो चुकी है। सबसे पहली टीम थी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दोस्तों साफ साफ कह दिया था कि अगर हमारी टीम में फॉरेन प्लेयर्स नहीं भी खेलेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से अगर फॉरेन प्लेयर्स IPL 2020 में नहीं भी खेलते हैं, तब भी BCCI IPL 2020 को जरूर करवाने वाला है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या IPL 2020 का सीज़न इस साल हो पाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।